हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके गौरव भट्टर। फ्रेंड्स, दोस्तों, हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम अपलोडिंग अ वीडियो ऑफ अनसॉल्व सम विच इज़ गिवन इन योर अकाउंट्स टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो अनसॉल्व सम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, हियर व्हाट इज गिवन, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है और एक रिसिप्ट पेमेंट का एक्सट्रैक्ट दिया है, और हम लोगों को नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है, और हम लोगों को स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना किया है वो हम लोगों को शो करना है, बराबर उसका प्रेजेंटेशन बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। एक तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड में, और दूसरा हम लोग लिखेंगे इसको लाइबिलिटीज़ में। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31/3/2019 वॉज वैल्यूड एट 1800। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग, स्टेशनरी कंज्यूम्ड में से लेस कर देंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग इसको शो कर देंगे। ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या करना है, कैसा करना है। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे ये जो स्टॉक दिया है ये गए साल के बैलेंस शीट में था, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में था, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल बी ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और ये जो साल के दौरान जो परचेस किया है उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने ऐसे इसके ऊपर पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, बस उसी के ढंग से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इस काम को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पहले तो हेडिंग डालूंगा टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, अब हमारा ये जो बैलेंस शीट था वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक, जो कि कितने रुपए का था हमारा, 400 रुपीज़ का था, बराबर। फिर परचेज हमारा देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में दिखेगा आपको 6300, उसको हम लोग ऐड कर देंगे परचेज बोल के। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 6300 हो गया, सॉरी। फिर 6300 प्लस 400 विल मेक कितना, 6700, 400 रुपये हम लोगों ने जोड़ दिया 6300 में, तो 6700 हो गया ये। फिर उसके बाद में अब आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर वन में, 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर द स्टेशनरी बिल। तो एक तो ये लाइबिलिटीज में जाएगा, बराबर, और दूसरा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। भले ही हम लोगों ने इस साल में खर्चा किया हो चाहे नहीं किया हो, फिर भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने ये लिया था करके। तो ऐड मैं यहाँ पे बता दूंगा कि आउटस्टैंडिंग बिल कितना है, मतलब ये जो अगर इसका बिल भी नहीं पे किया है और हमने वो सामान लेके आया है तो जाहिर सी बात है ना, अब वो पड़ा है तो उसको यूज़ ही करेंगे हम लोग। तो ये कितना आ गया हमारा, टोटल 7700 आ गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, जो कि कितना आया हमारा, 1000 रुपीज़। ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है, सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31/3/2019 वॉज वैल्यूड एट ₹1800। तो ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ये, और कितना है ये, 1800 है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग हमेशा से क्या करते आते हैं, तो इसको यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि ये बचा हुआ है ना, तो हमको एक्चुअल में कितना यूज़ किया है वो पता करना है। तो इसका क्या हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसको ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, ऐड अगर कोई आउटस्टैंडिंग बिल रहेगा तो वो करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को तो यूज़ नहीं किया है, तो वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक को 1800 को माइनस कर देंगे। तो 7700 में से 1800 अगर जाता है तो हमारे पास में बचता है 5900। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, पूरा वर्ड लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा असेट में, क्या लिखूंगा, स्टॉक ऑफ
स्टेशनरी, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना आया हमारा 1800। अब जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका हमारा कितना आता है फ्रेंड्स, टू इफेक्ट्स आता है। हम लोग क्या करते हैं उसका दो इफेक्ट कभी भी पास करते हैं। तो ये देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का हम लोगों ने टू इफेक्ट्स पास कर दिया है। तो फ्रेंड्स समझ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे। तो प्रॉब्लम नंबर टू किसका है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो प्रॉब्लम टू में क्या करना है हम लोगों को, तो प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली, हम लोगों को यहाँ पे खाली और खाली सब्सक्रिप्शन के बारे में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको एक गए साल का लाइबिलिटी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है या फिर जो भी कुछ है इन्फॉर्मेशन लिखा होगा कि क्या क्या आपको बनाना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हम लोगों को एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और हमारा बैलेंस शीट शो करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको शुरुआत करते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 1819। अब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग अपना करंट ईयर कौन सा है वो पता कर लेते हैं। तो देखो ये 1/4/2018, हाँ, और यहाँ पे डेट कौन सा दिया है 31/3/2019, मतलब हमारा करंट ईयर कौन सा होगा 1819 होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये हम लोगों को गए साल, इस साल का पैसा गए साल ही मिल गया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटीज में। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है किसमें, हमारे इनकम में, मतलब हम लोग ऐड करेंगे इसको सब्सक्रिप्शन में ऑफ करंट ईयर। बस इसका एक इफेक्ट पास करना है, कंप्लीट हो गया इसका काम। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोगों को कुछ तो दे करके रखा हुआ है, यहाँ पे 2016 का 26,000 है और 2017-18 का है हमारे पास में 35,000। अभी इसको दो मिनट ऐसे ही रहने दो। अब हम लोग आ जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम लोगों को रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन दिखता है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट का हम लोगों को मालूम है जो भी पैसा आ रहा है वो हम लोग रिसिप्ट में डालते रहते हैं, वो देखते नहीं है कि इस साल का है या नहीं है, बराबर। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वैसा नहीं होता है, हम लोगों को जो इस साल का रहता है वही हम लोगों को लिखना होता है। तो अब देखो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कितना है 16-17 का, मिला कितना 23,000, मिलना कितना चाहिए था हम लोगों को, आउटस्टैंडिंग कितना था 26,000 का। तो मतलब यहाँ पे अभी भी क्या है 3,000 का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो ये 3,000 का आउटस्टैंडिंग ये वापिस से हमारा असेट में आएगा, ठीक है, ये हम लोगों ने एक मार्क करके रखा है यहाँ पे। फिर 17-18 में हम लोगों को मिला कितना 17-18 का 30,000, मिलना कितना चाहिए था 35,000, मतलब 5,000 अभी भी हमारा बरकरार है असेट में, ठीक है। तो ये हम लोग इस साल के करंट ईयर के असेट में लिख देंगे। अब हम लोगों ने जैसे बताया था ये ईयर कौन सा है, ये 18 ये 19, तो 18-19 करंट ईयर है, तो इसको सब्सक्रिप्शन इनकम में डालना है आपको, ठीक है। फिर ये क्या है 1920 अगला साल है, तो ये आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज साइड में। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 32,000, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसको कहाँ डालेंगे हम लोग, असेट में डालेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा ही है, ये हमारा एकदम सिंपल सा काम, इसको हम लोग अब शुरुआत करने की तैयारी करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 18-19 का कितना दिया है 4,10,000, तो मैं यहाँ पे इनकम में लिख देता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, कितना लिखा है ये मैंने 4,10,000 लिखा, ठीक है। फिर अब ये जैसा था हम लोगों को लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 1819 का हम लोगों को पहले ही मिल गया था, तो हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा रिसीव्ड ड्यूरिंग कभी प्रीवियस ईयर में हम लोगों को मिल चुका है, और कितना मिला था ये हम लोगों को 20,000, तो उतना ही हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा 4,30,000। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग 16-17 का कितना दिख रहा है 26,000, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन दिया था हम लोगों को मिला 23,000 का, तो मतलब आउटस्टैंडिंग अभी भी है। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कितना है वो 2016-17, ठीक है। हम लोगों को मिलना कितना चाहिए था 26,000, मिला कितना 23,000, ठीक है ना। तो
तो 26,000 माइनस 23,000, तो हमारा ये इनर कॉलम में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3,000 आ जाएगा। वैसे ही हम लोगों को 17-18 का करना है, 35 मिलना चाहिए था, मिला 30, तो मतलब अभी भी 5,000 का हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट 17-18, और कितना था वो हम लोगों का 35,000 था मिलना चाहिए था, बट मिला कितना हम लोगों को, ओनली 30,000। तो मतलब क्या हो गया, हम लोगों का 5,000 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये हम लोगों ने एंट्रीज यहाँ पे पास कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम लोग चलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इज़ ₹32,000, मतलब ये करंट ईयर का है। तो 2018-19 आपको ये जो है 16-17 का ये जो वर्किंग है ये नेक्स्ट लाइन में करना है, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया और घाई घाई में यहाँ पे ही लिख दिया, ये आपको नीचे के लाइन में लिखना है, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन में वो अच्छा दिखेगा, मिक्सअप नहीं होगा वो। तो 18-19 का हम लोगों का सब्सक्रिप्शन कितना है, 32,000। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब 32,000 इसका एक बार टोटल कर लेते हैं हम लोग, बट इससे पहले हम लोग यहाँ पे भी इसका एक एंट्री पास करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, और कितना है वो हम लोगों का 32,000, और टोटल कितना आ गया हम लोगों को इसका 4,62,000। तो ये इसका यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, 32,000, 3 + 5 = 8, 8 + 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल आ गया हम लोगों को कितना, 40,000। बट अभी भी एक चीज़ हमारा बाकी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 1920, कितना है ये, 21,000 है, मतलब ये लाइब्रेटीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 2019-20, और कितना रुपीस है वो, सॉरी 21,000 है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सेकंड सम भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आते हैं सम नंबर थर्ड की ओर। तो सम नंबर थर्ड क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। सम नंबर थर्ड हमारा ये रहा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, फिर ये भी कुछ सब्सक्रिप्शन का ही दिख रहा है, वैसे ही कुछ एक्सट्रैक्शन बनाना है हम लोगों को बैलेंस शीट और वो सब का। तो अभी देखो यहाँ पे ये क्या दिया है, ईयर एंडिंग 2018, तो जाहिर सी बात है हमारा ईयर कौन सा होएगा, 17-18। और जब भी ये रिसिप्ट और पेमेंट में आता है, और आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस अमाउंट, जहाँ पे, जो डेट पे, जब सबसे बड़ा अमाउंट दिख रहा है वो हमारा करंट ईयर होगा, ठीक है। वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी एकदम इजी है ये समझना कि कौन सा हमारा करंट ईयर है। अगर हम लोगों को बैलेंस शीट दिया है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो वो डेट मैच कर लेंगे, हम लोगों को समझ में आ जाएगा सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, सब्सक्रिप्शन दिया है 2016 का कितना दिया है, यहाँ पे 2000 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 17-18 का कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 60,000, मतलब ये करंट ईयर का है। 16-17 का हो सकता है, 16-17 का ये हमारा गए साल का है। फिर उसके बाद में 18-19 हमारा क्या है, ये नेक्स्ट ईयर है। तो ये नेक्स्ट ईयर है, तो हम लोगों को इसको कहाँ पे शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में हम लोग इसको शो करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 का है ये, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का अगर ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोगों को एक तो पहले ऐड करना पड़ेगा और बैलेंस शीट के असेट में शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 17-18 का हम लोगों को गए साल ही पैसा मिल गया था, तो हम लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा इस साल के इनकम में, मतलब इस साल के सब्सक्रिप्शन में हम लोग ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 कितना है, ₹2,500 है। देखो 16-17 हमको मिला कितना, 2,000 मिलना चाहिए था, कितना, 2,500, तो मिला 2,000, मतलब ₹500 अभी भी हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। मतलब ₹500 हमारा अभी भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, ये हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग
शुरू करते हैं। क्या करूंगा मैं अब यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है यहाँ पे, 17-18 का 60,000 था, ठीक है। ये 60,000 हम लोगों को, ये फॉर्मेट तो आता ही है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018 लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2018 लिखना है। अब यहाँ पे कितना है, ये सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने 60,000 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, इस पे आ जाओ अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे। तो यहाँ पे ये 17-18 का हम लोगों को 6,000 आउटस्टैंडिंग दिया है, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। कितना है ये, 6,000 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 66,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। किधर डाला ये हम लोगों ने, असेट में डाला। अब ये कौन से ईयर का था हमारा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग था ये हमारा 2017-18 का था, बराबर। ये मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ 6,000। मैंने ये नीचे क्यों लिखा इतना, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि हमारा 16-17 का भी आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों ने क्वेश्चन पहले ही पढ़ के रखा था इसके लिए। तो अब फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 17-18 इज रुपीज़ 2,000। तो ये इस साल का इनकम है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या लिखूँगा मैं, रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2,000 आ जाएगा। तो 66 + 2,000 हमारा हो जाएगा कितना, 68,000, ठीक है ना। तो ये टोटल हो चुका है हमारा। फिर अभी इसके आगे क्या करना है हम लोगों को, ये वाला भी हम लोगों ने कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 16-17, कितना है ये, 2,500। आउटस्टैंडिंग इतना था 2,500, बट मिला कितना हम लोगों को, 2,000, मतलब 500 का अभी भी क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कौन सा ईयर था वो हमारा 16-17, कितना मिलना चाहिए था हम लोगों को, 2,500, बट मिला कितना हम लोगों को, 2,000। तो कितना आ जाएगा हमारे इनर कॉलम में, 500 आ जाएगा। ये 6,000 और 500 को प्लस करके आ जाएगा यहाँ पे कितना, 6,500 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोगों का लगभग 95% ये सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं 18-19 पे, ये कितना है, 4,500। इसका क्या इफेक्ट कर रहा है हम लोगों को, लाइबिलिटीज़ में। अब इसको हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ, कौन सा ईयर है वो, 18-19 दिया हुआ है, और कितना रुपीस है, 4,500। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 4,500 हम लोगों ने पुट कर दिया। सो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारे अनसोल्ड सम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स आपको जो भी कुछ डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जय हिंद।